हेलो दोस्तों, टेक टू पुष्पा में आपका स्वागत है। दोस्तों, एलोन मस्क के बारे में आप सभी लोग तो जानते ही होंगे। इनकी जो कंपनी है टेस्ला, इसके थ्रू ये जो भी नई कार्स लॉन्च करते हैं, सभी में कोई न कोई नई टेक्नोलॉजी आपको देखने को मिलती है। अब बहुत ही जल्दी टेस्ला कंपनी ही एक ऐसा रोबोट लॉन्च करने जा रही है जिसको हम लोग कहें तो एक तरीके से नौकर भी बोल सकते हैं, और जिसका नाम होगा टेस्ला बॉट। अब इस बॉट में क्या खासियत होगी, ये कैसे काम करेगा, या फिर इसको नौकर किस तरह से बोल सकते हैं, तो आज के वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ इसी टेस्ला बॉट के बारे में। तो ये सारी जानकारी के लिए आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, और चैनल पर अगर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक और शेयर भी कर देना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इसी टेस्ला बॉट के बारे में। दोस्तों, हम लोग इतना आलसी होते जा रहे हैं, जैसे कि अभी हम लोग कहीं चेयर पर बैठे हैं या फिर हमको प्यास लगी तो सोचते हैं कोई हो हमको जो पानी उठा कर दे दे। आप घर पे हैं, कई सारे लोग हैं तो आप उनसे मांग लेंगे, लेकिन अगर आप सिंगल कहीं रूम में रह रहे हैं तो वहाँ पर ये सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। अभी लेटे हुए हैं, सोचते हैं कि फ़ैन ऑफ हो गया और इसको हम ऑन कैसे करें, कोई होता तो ऑन कर देता, ये सारा आलस आपके अंदर आता है। या फिर सोचते हैं कोई कपड़े धुलने वाला हो या फिर कोई कपड़े सुखाने वाला हो। तो इन सब चीज़ों को कहें कि नज़र में रखते हुए एक ऐसा ही टेस्ला रोबोट डिजाइन करने जा रही है जो आपके ये सारे काम करेगी। यहाँ तक कि ये जो बॉट होगा ये आपके मार्केट से भी सब्जियाँ भी लाने में आपकी हेल्प करेगा। तो आप इमेजिन करिए कि आप सिंगल्स हैं और आपके साथ एक ऐसा बॉट है जो आपका सारा काम करेगा। बस आपको कुछ नहीं करना है, बस उसको कमांड देनी है, आपको उससे बोलना है कि भैया जाओ ये स्विच ऑन कर दो, या फिर जाओ ये कपड़े जो इधर पड़े हैं इनको सुखाना है छत पे डाल के आओ। तो ये बोट जो है सारे काम आपके करेगा। तो कह सकते हैं कमाल की बात हुई ना टेस्ला की तरफ से। वैसे भी टेस्ला नई नई टेक्नोलॉजी के लिए जाना जाता है, तो फिर इस नई टेक्नोलॉजी में टेस्ला पीछे तो रहेगा नहीं, तो इस वजह से ये टेस्ला बोट डिजाइन कर रहे हैं। लेकिन इस बोट का थोड़ा सा नुकसान आपके बॉडी पर पड़ सकता है, क्योंकि अभी जो आप थोड़ा बहुत काम करते थे वो ये बोट अगर आ जाएगा तो फिर वो भी काम आप नहीं करेंगे। इससे क्या होगा, जो आपकी फिजिकली एक्सरसाइज जो रहती थी वो आप बंद कर देंगे, मतलब सारा काम तो ये बोट कर देगा, आपने खाना खाया आप पड़ गए, तो उसका आपके बॉडी पे थोड़ा नुकसान पड़ सकता है, मान लो कहीं आपका पेट निकल आया। तो इसलिए अगर बोट आ भी जाता है तो आपको जो एक्सरसाइज है वो रेगुलर तो करना ही पड़ेगा, अगर आप लोग फिजिकली अपने को मेंटेन रखना चाहते हैं तो। अब इसके कुछ स्पेसिफिकेशंस की बात करें कि जैसे इसकी हाइट कितनी होगी या फिर ये इसका वेट कितना होगा, तो फिर ये ऐसा कहेंगे इसको इंसानों को मतलब ध्यान में रख के डिजाइन किया गया है, उनके ही सारे काम करेगा। तो इसकी हाइट भी लगभग 5.8 फीट रखी गई है जो कि एक एवरेज हाइट होती है, और इसका वेट होगा वो 125 पाउंड होगा, किलोग्राम में कन्वर्ट करें तो लगभग 57 केजी होगा। और जो इसकी स्पीड होगी वो होगी 5 माइल पर आवर्स, इसको किलोमीटर में अगर कन्वर्ट करें तो लगभग 8 किलोमीटर पर आवर्स होगी, और जैसे हम लोगों की जो स्पीड होती है नॉर्मल चलने की वो 5 से 6 किलोमीटर पर आवर होती है, तो हम लोगों से थोड़ा ज़्यादा तेज़ ये चलेगा। तो इसलिए ये आपके जो काम है डेली के उनको करने में ज़्यादा कैपेबल होगा। और इसका जो मतलब डिज़ाइन इस तरह रखा गया है, इसमें जो फेस होता है वहाँ पे थोड़ा ब्लैक शेड रहेगा, और उसके जो नीचे की पूरी बॉडी होगी वो पूरी वाइट रहेगी, और जहाँ पे जो फेस इतना होता है वहाँ पे एक डिस्प्ले लगा होगा, उसी में आपको जो कैमरा सेटअप दिया गया है मतलब उसी से सारी चीज़ें रिकग्नाइज करेगा। इसकी मैकेनिज्म की बात करें तो इसमें आपको 40 इलेक्ट्रो मैकेनिकल एक्चुएटर देखने को मिलेंगे। ये इसलिए इतना ज़्यादा दिए गए हैं क्योंकि ये हर जगह इसमें लगे हुए हैं, जैसे हैंड में होंगे, आर्म में होंगे या लेग्स में होंगे। तो इससे क्या होगा, ये हम लोगों की तरह हर तरह से फ्लेक्सिबल होगा, मतलब अपने आप को बेंड करने में कैपेबल होगा, इसलिए यहाँ पे 40 एक्चुएटर यूज किए जा रहे हैं। वही कहें कि इंसानों को थोड़ा ध्यान में रख के इसको डिजाइन किया जा रहा है, तो सेम जो फीचर्स होंगे वो वैसे ही इसके डेवलप करने की कोशिश की जाएगी। ये पूरा AI टेक्नोलॉजी पर बेस्ड होगा। आपने एक फीचर्स के बारे में सुना होगा ऑटो पायलट का, जो अक्सर टेस्ला की कार्स में या और कार्स में देखने को मिलता है, लेकिन जो टेस्ला कार्स में जो ऑटो पायलट का जो फीचर्स होता है सेम वही टेक्नोलॉजी आपको इस बॉट में देखने को मिलेगी। तो आप सोचिए कि कितनी कमाल की चीज़ होने वाली है कि कार की टेक्नोलॉजी आपको एक बॉट में देखने को मिलेगी। तो भैया जब कभी ये नेक्स्ट ईयर लॉन्च होगा तो एकदम बहुत ही धमाका होने वाला है, मतलब आपके सारे काम बहुत आसान होने वाले हैं।
अक्सर ऐसे बॉट को आप लोगों ने अभी तक फिल्मों में काम करते देखा होगा, लेकिन वहाँ पे ये देखते होंगे कि कुछ बॉट से आपको खतरा भी रहता है, लेकिन इसमें ऐसा खतरा आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि इसमें आपकी जो सेफ्टी है उसको काफ़ी ध्यान में रख के इसको डिजाइन किया जा रहा है। तो ये काफ़ी कमाल की चीज़ होने वाली है। अभी तक जो आप फिल्मों में देखते थे वो आने वाले समय में, मतलब कहें कि नेक्स्ट ईयर आपके साथ ये बॉट होगा और आपके सारे काम करेगा, तो जो रियल लाइफ से जो एक्सपीरियंस है वो बहुत ही धमाकेदार होने वाला है। तो आप लोग बताइए कि आप क्या सोचते हैं, जब कभी यह बॉट लॉन्च होगा, या फिर अभी प्राइस तो इसकी कंफर्म नहीं है, लेकिन जब कभी लॉन्च होगा तो आप लोग क्या इसके बारे में सोचते हैं? आप लोग इसको परचेज करेंगे या आप इसको क्या सोचते हैं, इमेजिन कैसे करते हैं कि सोचिए कि आपके साथ ये बॉट है और आपका सारा काम कर रहा है, तो आपका इससे कितना काम आसान होने वाला है, ये सारा कुछ आप मुझे कमेंट करके बताइए। बाकी वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। और दोस्तों, अगर आप लोगों ने फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो नहीं किया है तो वहाँ भी जाके फॉलो कर लो, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, जिससे ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो, ऐसे ही लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाले वीडियो आपको फ्यूचर में सबसे पहले मिलते रहें। मैं मिलता हूँ अब नेक्स्ट वीडियो में।